हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए माली जी से पूछते हैं आज ये क्या कर रहे हैं। ये मेथी, ये देखिए टमाटर, ये देखिए टमाटर। चलिए चलते हैं माली जी के पास। माली जी क्या कर रहे हैं आज आप? क्यारी बना रहा हूँ जी। हाँ जी, क्यारी बना रहा हूँ जी, क्यारी सब्जी लगाने के लिए जी। क्या चीज दोगे इसमें? प्याज लगाएंगे जी। प्याज? हाँ जी, प्याज लगाओगे तो प्याज कैसे लगती है? बीज वगैरह बोया जाता है या किस चीज से? पौध लाएंगे जी। अच्छा, बनी बनाई पौध लाके और उसको लगाओगे। अच्छा चल, जिस दिन लगाओगे उस दिन हमें भी दिखाना। ठीक है जी। कैसे लगाई जाती है और कितने दिन में उग जाती है प्याज? 2 महीने लगता है जी प्याज उगने में। जी। अच्छा ठीक है। तो और ये पीछे आपके पेड़ किस चीज का है? नींबू का? हाँ जी, ये नींबू है। हाँ जी, नींबू है जी, नींबू। अच्छा, ये क्या एलोवेरा लगा रखा है आपने? जी। इतना सारा जी। तो क्या ये कैसे लगता है? बस जड़ ला के लगा दो एलोवेरा की? जड़ ला के लगा देते हैं जी, हो जाती है फिर अपने आप। और पानी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? पानी देना पड़ता है जी इसमें, जैसे गर्मी आ रही तो अब हफ्ते में 2 बार दे दो, एक बार दे दो जी। अच्छा, आपने टमाटर लगाया हुआ इधर कहीं पे? हाँ जी, हाँ बताओगे ज़रा टमाटर के बारे में, क्योंकि अभी तो टमाटर बस वो आज गर्मियों के बाद टमाटर तो 100-100 रुपये किलो मिलता है ना। तो अगर हम अभी से टमाटर की पौध घर में लगा लें तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा लोगों को। ये देखो कुछ लगाए जी टमाटर के। हाँ जी। ये तो बहुत अच्छा है, कुछ लगाए देखो जी। ये नीचे तो टमाटर के बारे में जरा सा बताओ आप हमें, कितने दिन में उगता है, कहाँ से? टमाटर गुड़ाई करके लगाते हैं जी, तो महीने में 15 दिन में होता है जी। एक सेकंड भैया दोबारा बताओ। गुड़ाई करके लगाते हैं जी, पौध ला के लगाते हैं जी, जो जड़ पकड़ लेती है तो उसमें बढ़ता है तो फूल आता है जी, तब उसमें फल लगता है जी। हाँ जी, कितने दिन में हो जाता है टमाटर? 2 महीने में टूटना चालू हो जाता है जी। अच्छा, मतलब अगर हमें मार्च में वो, अगर हमें वो अप्रैल या उसमें जून में चाहिए तो 2 महीना पहले लगाना पड़ेगा। जैसे बारिशों में तो टमाटर बहुत महंगा हो जाता है, 100-100 रुपये किलो मिलता है ना। तो उसको अगर हमें अभी से टमाटर लगाना, मतलब उस वक्त हमें टमाटर चाहिए तो अभी लगाना पड़ेगा। तो ये आपने जैसे पौध कब लगाई थी जो इतनी बड़ी जैसे ये हो गया पेड़? महीना हो गया जी, 1 महीना हो गया जी, 1 महीना। अच्छा, हाँ जी ठीक है। तो 1 महीने में ये इतना हो गया? हाँ जी। तो इसका आप कैसे बता रहे हो, दोबारा से बताओ, कितने दिन में? 2 महीने में उगता है। और पानी की कितनी रिक्वायरमेंट है, गमले में उगता है या नहीं उगता पानी? है जैसे फूल आ रहा जी तो पानी कम डालते हैं, फूल आता है तो उसके बाद में जब फल आना चालू हो जाता है तो फिर देते हैं हफ्ते में 1 बार। गमले में लग जाता है ये? गमले में लगता है जी, बड़ा गमला होना चाहिए जी, बड़े गमले में लगेगा जी, छोटे गमले में नहीं लगता। टमाटर के बीज का कोई हिसाब है? ये जैसे एक देसी टमाटर जैसे मार्केट में मिलता है, सब्जी वाले देते हैं, एक देसी देते हैं, एक बोलते हैं लाल टमाटर है, उसका बीज का कुछ फ़र्क है? पौध आती है, दो तरीके की पौध आती है, वो आप मार्केट से ले सकते हैं। तो आप कितनी पौध लाए थे? तो बहुत सारे आपने टमाटर लगा रखे हैं। हाँ जी लगाए। हाँ जी, काफ़ी सारी पौध लाए थे। कितने की मिल जाती है एक पौध? 100 रुपये में लाए थे ये सारी पौध, 100 रुपये में लाए थे आप? अच्छा ठीक है माली जी। यहाँ पे आप पानी दे रहे हो? हाँ, ये करेले लगाया था जी। क्या लगाया था? ये करेले लगाए जी, करेले लगा रखा जी, करेले। ये करेला लगा रखा? हाँ जी। अच्छा, ये करेले लगाए हैं जी। करे और इस तरफ ये वो लगा रखा जी, क्या कहते हैं, खीरा जी लगा रखा। अच्छा, हाँ जी। तो करेला खीरा कैसे कब लगाया आपने, कितने दिन हो गए? तो बाजार से बीज लाए थे, पौध लाए थे, कैसे लगाए? संडे को लगाया था जी, संडे को लगाया था जी, पौध लेके आया था जी। कितने रुपए की पौध थी? 10 रुपए एक पेड़ा है जी, 10 रुपए का एक पेड़ा जी। खीरे का 10 रुपए का एक पेड़ा और करेले का 10 रुपए का एक पेड़ा। तो आप कितने कितने पेड़े लाए दोनों के? ये
आठ आठ पेड़ हैं जी। अच्छा, तो बस पौध ला के आपने यहाँ पे बो दिया, लगा दिया, अब आप पानी दे रहे हो। पानी कितने दिन में देते हो? हफ्ते में दे रहे हैं जी। हफ्ते में दे रहे हैं, कितने दिन में उग के तैयार हो जाएगा? महीना लग जाएगा जी, महीना लग जाएगा जी। चलो, जब बन के तैयार होगा तो हमें बताइएगा। ठीक है जी। ठीक है, आपने अभी तक बहुत अच्छा अच्छा हमें बताया है, धनिया के बारे में बताया, धनिया दो तरीके का बीज आता है मार्केट में, पालक के बारे में बताया और सरसों के बारे में बताया। तो अभी आप आगे आप बोल रहे हैं कि आप हल्दी और प्याज जैसे बोओगे तो हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ठीक है माली जी। अच्छा माली जी, अभी तक आपने हमारे जैसे वीडियोस बनवाए हैं, आप अपना नाम तो बता दीजिए एक बार, आपका नाम क्या है? तुलसीराम जी, तुलसीराम। अच्छा, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको माली जी? 25 साल हो गए जी। कितने साल से इसमें काम कर रहे हो? यहाँ तो 2 साल हो गए जी। और 25 कितने साल से इस माली? 25 साल हो गए जी। तो इन सब चीज़ें करने में मज़ा आता है आपको? हाँ जी, कर रहे हैं जी, मज़ा आता है जी। ठीक है माली जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो या माली जी से कुछ भी आप लोगों को अपने घर के बारे में या किसी भी पौध के बारे में या कुछ भी तरीके की किसी भी तरीके की अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट करिए, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी माली जी से बात करवाऊँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय।